हेलो गाइस, तो प्लांट किंगडम के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है यानी आज का थर्ड लेक्चर के अंदर वापस से सबका वेलकम है। तो हम ऑलरेडी प्लांट किंगडम के अंदर स्टार्टिंग कर चुके थे। स्टार्टिंग करने के बाद हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमने बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम भी पूरी नहीं की थी। ड्रॉबैक्स के ऊपर हम चल रहे थे। ड्रॉबैक्स के अंदर हमने बात की थी बेसिकली कि फाइलोजेनी जो है इसको कंसिडर नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ टू डायमेंशनल बोलते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी कंसिडर की गई थी। ओके, दूसरा हमारे पास कि ऑर्किड फैमिली जो है ये एडवांस फैमिली है, बट इसको प्रिमिटिव पोजीशन पे प्लेस किया गया था हमारे पास। थर्ड है बेसिकली कि जो मोनोकॉट फैमिलीज हैं, मोनोकॉट फैमिलीज को करेक्ट प्लेस नहीं दिया गया, मतलब सारी फैमिलीज को ना इन्होंने मतलब उनकी सही सही पोजीशंस के ऊपर प्लेस नहीं किया, नॉट गिवन करेक्ट प्लेस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ जो कि हमें सबसे कॉमन लग रहा होगा बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स। तो जब हम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े तो हमारे पास बेंथम और हुकर के अकॉर्डिंग क्या है, डाइकोटिलेडोने, देन जिम्नोस्पर्म, फिर मोनोकोटिलेडोने। तो भाई अभी जो हम फाइव किंगडम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म्स के पार्ट हमने किए हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स जो है इनको रॉन्ग पोजिशन दे दी गई, ये रॉन्ग प्लेस पे रखे गए थे हमारे पास। तो ये भी हमारे पास क्या है बेसिकली इसका ड्रॉबैक है। ओके, नेक्स्ट चीज जो फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, फ्लोरल कैरेक्टर्स वो सारे के सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स को कंसिडर नहीं किया गया हमारे पास। अभी हमने देखा ना बेसिकली कि नॉट कंसिडर, सारे फ्लोरल कैरेक्टर्स कंसिडर नहीं किए गए हमारे पास, सिर्फ पेटल्स के बेसिस पर एंड गायनोशियम के बेसिस पर हमने डिवीजन कर दिया। एंड्रोशियम वेंड्रोशियम पूरा इंक्लूड नहीं किया हमारे पास। वैसे इस लेवल पर तो हमें उतना पढ़ना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उतना इंक्लूड नहीं किया गया। ओके, देन हम अब चलते हैं फोर्थ, और फोर्थ है हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वैसे इससे पहले एक बात मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जो मोनोकॉट है हमारे पास, मोनोकॉट्स ज्यादा एडवांस है एज कंपेयर टू डाइकॉट्स, है ना। तो जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर अगर बात की जाए तो जो सुपीरियर ओवरी हैं इनके कंपैरिजन के अंदर जो इंफीरियर ओवरीज होती हैं ये ज्यादा एडवांस होती है। सुपीरियर ओवरीज जो है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि ये प्रिमिटिव है हमारे पास, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो इंफीरियर ओवरी है ये एडवांस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, तो ये कभी शायद पूछ सके हमारे पास बेसिकली, तो पूछ ले तो उसके लिए थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर मोनोकॉट ज्यादा एडवांस होता है हमारे पास, एंड प्रिमिटिव सॉरी सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी के अंदर अगर बात की जाए तो इंफीरियर ओवरी जो होती है ये ज्यादा एडवांस होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को थ्री डायमेंशनल यानी 3D सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। थ्री डायमेंशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हमारे पास पीछे नेचुरल को हमने टू डायमेंशनल बोला था, क्योंकि टू डायमेंशनल का मतलब क्या था हमारे पास कि इसके अंदर हमने मॉर्फोलॉजी भी कंसिडर की एंड एज वेल एज एनाटॉमी भी कंसिडर की है। तो अब यहाँ पर थ्री डायमेंशनल बोलने का मतलब क्या है कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी प्लस फाइलोजेनी, जो कि अभी तक में हमारा हर किसी के अंदर ड्रॉबैक बन रहा था, तो हमने फाइलोजेनी को भी यहाँ पर कंसिडर किया है, इसीलिए इसको थ्री डायमेंशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। ओके ओके, देन हम नेक्स्ट चलते हैं बेसिकली, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए बेसिकली। तो फाइलोजेनी जी है, फाइलोजेनी वर्ड यानी टर्म जो है ये किसने दिया था, गिवन बाय लेमा, गिवन बाय लेमार्क। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट था यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, टर्म गिवन बाय लेमार्क और कंसेप्ट ऑफ फाइलोजेनी, कंसेप्ट ऑफ फाइलोजेनी ये हमें किसने दिया, ये हमें दिया था हेकल ने, क्लियर। और फाइलोजेनी होता क्या है हमारे पास, फाइलोजेनी मीन्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो हम कंसिडर करते हैं, एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम स्टडी करते हैं बेसिकल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी बोलते हैं। अब यहाँ पर भी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, बेसिस तो हमने पढ़ ही लिए, अब कॉन्ट्रीब्यूशन किस किस के अंदर किया। तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास सबसे पहले आते हैं एक्लियर, एक्लियर ने यहाँ पर वापस से क्या किया, पायोनियर वर्क, हर किसी के अंदर ये पायोनियर वर्क याद रखना, पायोनियर वर्क थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास आर्टिफिशियल है उसके अंदर थियोफ्रेस्टस, नेचुरल जो है
इसके अंदर हमारे पास जॉन रे एंड अभी जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ रहे हैं फाइलोजेनेटिक, इसके अंदर हमारे पास एक्लियर, इन्होंने एडवांस सॉरी पाइनियर वर्क किया था हमारे पास। ओके एक्लियर के बाद हमारे पास इसके अंदर और कौन सा साइंटिस्ट है, एंग्लर एंड प्रांटल सॉरी दूसरे और तीसरे साइंटिस्ट हैं। देन है हमारे पास हचिंसन हचिंसन एंड तख्ताजान हचिंसन एंड तख्ताजान। जैसे पीछे नेचुरल के अंदर बेंथम और हुकर ने बहुत ज्यादा काम किया ना, तो वैसे ही यहाँ पर हचिंसन और तख्ताजान जो है इन्होंने बहुत ज्यादा एडवांस काम किया था। क्लियर, मोर एडवांस काम किया तो मोर एडवांस सिस्टम भी दिया इन्होंने क्लासिफिकेशन का फाइलोजेनी के बेसिस पर। अब थोड़ी सी स्टार्टिंग में बात कर लेते हैं पहले एंग्लर एंड प्रांटल, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए। एंग्लर एंड प्रांटल ने हमारे पास जो क्लासिफिकेशन किया ये इन्होंने एक बुक के अंदर पब्लिश किया हमारे पास, इनकी बुक्स थोड़ी अजीब अजीब सी आ जाती हैं, तो डाय नेचुरलिजन पी फ्लेंजन फेमिलियन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फेमिलियन। और ये बुक जो थी ये टोटल 23 वॉल्यूम्स के अंदर पब्लिश की थी। क्लियर, 23 वॉल्यूम्स में बुक पब्लिश की। और दूसरा इन्होंने, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, हमारे पास जो एम्ब्रियोफाइटा है यानी जिनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोफाइटा, इसको इन्होंने टोटल दो सब डिविजन के अंदर डिवाइड किया। इसी एम्ब्रियोफाइटा को एक्चुअली में हम क्या बोल रहे थे पीछे, स्पर्मेटोफाइट्स यानी मतलब सीड फॉर्मेशन प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना। तो इनको इन्होंने दो सब डिविजन के अंदर डिवाइड किया, पहला है जिम्नोस्पर्म्स एंड दूसरे हैं हमारे पास एंजियोस्पर्म यानी जिम्नोस्पर्म है एंजियोस्पर्म। क्लियर, और फिर ये जो एंजियोस्पर्म है इनको इन्होंने टू क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया, पहला है हमारे पास मोनोकॉटिलेडने एंड दूसरे हैं हमारे पास डायकॉटिलेडने। अब ये जो डायकॉटिलेडने मोनोकॉटिलेडने वैसे ऑर्डर से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि मोनोकॉटिलेडने के अंदर टोटल 14 ऑर्डर्स दिए इन्होंने क्लासिफिकेशन करते टाइम, और डायकॉटिलेडने जो है इन्होंने इसके अंदर 44 ऑर्डर, 14 एंड 44 थोड़ा थोड़ा राइम करके याद करने जैसा लगता है, इसलिए थोड़े हो सकते हैं याद, बट अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनसे कभी क्वेश्चन नहीं आते। क्लियर, डायकॉटिलेडने जो है इसको इन्होंने फर्दर दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, पहला है हमारे पास आर्किक्लेमाइडे एंड दूसरा है हमारे पास मेटाक्लेमाइडे मनाज बिल्कुल दिमाग में मतलब ना। आर्किक्लेमाइडे का मतलब क्या है, यहाँ पर पेटल्स जो होंगे वो कैसे होंगे, फ्री पेटल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए इनको एपोपेटले भी बोला जाता है, एपोपेटले भी। और यहाँ पर मेटाक्लेमाइडे, अब ये पेटल्स फ्री वाले हैं तो ऑफकोर्स ही बात है ये पेटल्स फ्यूज्ड वाली ही कैटेगरी होगी, तो पेटल्स फ्यूज्ड हैं और इनको सिम्पेटले भी बोला जाता है, सारे के सारे पेटल्स एक दूसरे से अटैच हैं। क्लियर, ओके अब हम बात आगे करते हैं बेसिकली कि जिम्नोस्पर्म्स पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इनकी। तो भाई इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स जो है इनको करेक्ट प्लेस पे रखा, पीछे बेंथम और हुकर ने रॉन्ग पोजीशन पे रख दिया था, तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स को इन्होंने करेक्ट प्लेस पे रखा हुआ था, ये तो पॉजिटिव पॉइंट था। लेकिन मोनोकॉट को क्या कर दिया, रॉन्ग पोजीशन दे दिया, है ना। हमारे पास पहले डायकॉटिलेडने होता है उसके बाद मोनोकॉटिलेडने होता है, तो इन्होंने मोनोकॉट्स को रॉन्ग प्लेस यानी मोनोकॉट का इनका मतलब क्या हुआ कि भाई मोनोकॉट्स जो है वो प्रिमिटिव है एंड डायकॉट्स जो है वो एडवांस है, जबकि ऐसा तो नहीं है मोनोकॉट्स जो है वो एडवांस है हमारे पास, तो इसीलिए मोनोकॉट्स को प्रिमिटिव प्लेस पर रखा गया, तो ये हमारे पास इनका एक नेगेटिव पॉइंट हो गया हमारे पास। क्लियर, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट कि जिम्नोस्पर्म्स तो करेक्ट प्लेस पे था लेकिन मोनोकॉट्स को इन्होंने रॉन्ग प्लेस दे दिया। अब हम आगे चलते हैं, ये तो एंग्लर एंड प्रांटल का था, जो एडवांस सबसे ज्यादा काम किया गया वो किसने किया हमारे पास, हचिंसन ने, सॉरी पता नहीं आई क्यों आ जाती है इसमें, हचिंसन एंड तख्ताजान। तो इन्होंने ना साथ में कोई काम नहीं किया हमारे पास। क्लियर, तो पहले हम हचिंसन की बात कर लेते हैं, इन्होंने जो हमारे पास बुक पब्लिश की वो कौन सी थी, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स।
इन्होंने इसके अंदर अब फ्लावरिंग प्लांट्स किनको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स को बोलते हैं, तो इसीलिए एंजियोस्पर्म की ही कैटेगराइजेशन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म्स। तो इन्होंने एंजियोस्पर्म को करेक्ट मैनर के अंदर क्लासिफाई किया, यानी पहले डाइकोटिलेड ने एंड देन मोनो कॉटिलेड ने। तो ये तो चलो इनका पॉजिटिव पॉइंट है। हमारे पास डाइकोटिलेड ने को इन्होंने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया। हमारे पास पहला लिग्नोसे, ये एल है हमारा लिग्नोसे। लिग्नोसे का मतलब क्या है कि जिनकी वुडी स्टेम होगी, वुडी स्टेम। एंड दूसरा है हमारे पास हर्बेसे। हर्बेसे का मतलब हर्ब, हर्ब से हम याद रख सकते हैं बेसिकली सॉफ्ट स्टेम जिनके पास होगी, क्लियर। दूसरा मोनोकॉटिलेडने को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हमारे पास पहला क्या है, कैल्सीफेरे। कैल्सीफेरे का मतलब क्या है कि जहां पर सेपल्स एंड पेटल्स क्या हो, प्रेजेंट हो, दोनों ही। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, बोथ सेपल्स एंड पेटल्स आर प्रेजेंट, तो उसको हमने क्या नाम दिया, कैल्सीफेरे। दूसरा है हमारे पास कोरोली फेरे का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, पेरियंथ प्रेजेंट होता है। पेरियंथ क्या होता है, जहां पर हम सेपल्स और पेटल्स के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, पेटल्स एंड सेपल्स क्लियरली डिस्टिंग्विश नहीं होते, तो उनके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पेरियंथ प्रेजेंट होता है। और तीसरी हमारे पास कैटेगरी कौन सी है, ग्लूमी फ्लोरे। ग्लूमी फ्लोरे, आई होप क्लियर हो रहा होगा। ग्लूमी फ्लोरे का मतलब क्या है, जिसके अंदर पेरियंथ बेचारा भी क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए। पेरियंथ भी रिड्यूस्ड होता है, सॉरी, पेरियंथ भी रिड्यूस्ड होता है। यहाँ के बाद ना मैं यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ा इधर आ जाते हैं हम। पेरियंथ भी रिड्यूस्ड होता है, और इसके बदले क्या होता है हमारे पास, इसके बदले यहाँ पर लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और लॉडिक्यूल्स हमारे पास होते क्या है, ये स्मॉल ग्रीन या फिर व्हाइट स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली ग्रीन एंड व्हाइट स्ट्रक्चर होंगे, जो कि ओवरी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, क्लियर। तो ये रिड्यूस्ड पेरियंथ होते हैं, जो कि ना तो एक्चुअली में सेपल्स है ना पेटल्स है, क्योंकि सेपल्स और पेटल्स यूनाइटेड होकर पेरियंथ बनाते हैं, और ये पेरियंथ भी फिर धीरे 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 रिड्यूस, सॉरी, रिड्यूस होने के कगार पे चला जाता है, तो उसको हम क्या नया स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं लॉडिक्यूल्स। तो जिनके अंदर लॉडिक्यूल्स होंगे वो हमारे पास कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ग्लूमी फ्लोरे के अंदर आते हैं। ओके, तो अब इनका थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट देख लिया जाए। पॉजिटिव पॉइंट्स के अंदर अभी जो मैंने बोला पीछे कि भाई मोनोकॉट्स जो हैं इनको एडवांस पोजीशन दी गई, जिससे हम बड़े खुश हुए, यानी हमारे पास ये तो इनका बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, क्लियर। दूसरा दिक्कत क्या हो गई कि कुछ फैमिलीज ऐसी थी, यानी कुछ फैमिलीज जो है हमारे पास, सेवरल फैमिलीज, उनके अंदर फैमिलीज से नीचे, क्योंकि भाई हमने जो हायरार्की पढ़ी हुई है वो हायरार्की क्या है, किंगडम है, देन फाइलम, बट प्लांट्स केस में हम फाइलम नहीं बोलते, हम डिवीजन बोलते हैं, है ना, डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिलीज, देन जीनस, एंड लास्ट है स्पीशीज। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फैमिलीज के अंदर हमारे पास फैमिली से नीचे, यानी जीनस एंड स्पीशीज की जो कैटेगराइजेशन थी ये हुई ही नहीं हमारे पास, है ना। इन्होंने जीनस एंड स्पीशीज डिसाइड ही नहीं करे, सिर्फ फैमिली से करके छोड़ दिया। तो ये हमारे पास वैसे ड्रॉबैक बोल सकते हैं, लिमिटेशन बोल सकते हैं, है ना, नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिया ही नहीं, वैसे वैसे पता नहीं कुछ गलत दे दिया। तो ये हमारे पास इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट, मतलब ड्रॉबैक हो गया। तख्ताजान के अंदर अगर हम बात करें तो तख्ताजान के अंदर क्या काम करा इन्होंने, इनकी भी पहले बुक की बात कर लेते हैं भाई। बुक्स तो इन्होंने पता नहीं कैसे लिख दी, इनकी बुक्स हमारे पास क्या आती, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लियर। उसके बाद इन्होंने भी एंजियोस्पर्म्स को ही कैटेगराइज करा था, एंजियोस्पर्मे को इन्होंने डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स के अंदर क्लासिफाई किया, मोनोकॉट्स। और इनका ना इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है हमारे पास कि टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, ये लाइन हमने शायद सुनी होगी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इज जस्ट लाइक बोन विदाउट फ्लैश, क्लियर।
ओके, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास।